बंद करो गाइस, ये देखो क्या कर दिया, ये बहुत ज़्यादा है। जितना टाइम लग रहा है ना उतना ज़्यादा मेरा नेट ये खींच रहा है मेरे। चलो गाइस अब घर चलते यार, मेरा आज का दिन बहुत बेकार सा गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज सुबह सुबह गाइस ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी नींद पता नहीं कैसे खुल गई है गाइस। वैसे मैं इतनी सुबह उठता तो नहीं हूँ गाइस, वैसे 8 या 9 बज जाते हैं, लेकिन आज 7 बजे ही गाइस मेरी नींद खुल गई। तो सोचा हूँ चलो उठते ही ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और अभी मैं छत पे आया था गाइस मौसम देखने और मौसम दिखाने के लिए। गाइस क्या मस्त मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल तो बारिश हुई थी, आज पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं। गाइस चलते हैं दुकान में, बहुत टाइम के बाद गाइस मैं एक ब्रश लेने वाला हूँ जो कि अपनी दुकान से ही मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि गाइस मैं वीडियो के लिए लाइट जलाया था। और ये कपड़े गाइस कल मैं पहन के निकला था घर से, सोचा था अच्छा खासा रील बन जाएगा, लेकिन गाइस पूरे रास्ते अपने को बारिश मिल गया। हेलो, स्कूटी को गाइस मैं कल चार्ज लगाया था जो कि मैं ये निकालना भूल गया था, तो इसको अब निकाल रहा हूँ। यहाँ से तो बंद होगा ही होगा, हाँ यहाँ से बंद है। ये वाला स्कूटी का हो गया और ये वाला पंखे का हो गया। ये वाला किस चीज़ का है, ये वाला पता नहीं। और ये वाला लाइट का हो गया। चलो आओ जी आओ दुकान में, आ गए। ब्रश तो यहीं पे है, ब्रश के साथ गाइस एक कोलगेट भी फ्री है। मैं ब्रश कौन सा लूँ, इसमें तो सारा अच्छा अच्छा बिक गया है यार। चलो ये वाला लेते हैं सबसे नीचे वाला। सो गाइस इस रूम का जो टेम्परेचर है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज के टाइम पे गाइस इस रूम में आने जाने लायक मौसम है क्योंकि गाइस बाहर का जैसा मौसम होता है ना वैसा रूम का भी टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये वाला जो रूम है बाहर से सीधा मतलब बाहर ही है ना, इसलिए गाइस धूप होता है तो गाइस गर्म हो जाता है, मौसम ठंडा रहता है गाइस तो ठंडा हो जाता है। मतलब बाकी रूम गाइस ठंडा रहता है लेकिन ये रूम गर्म रहता है। चलो गाइस चलते हैं अपना ATM अप्लाई करने के लिए और देखते हैं गाइस क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, वो भी आपको भी बताएंगे और मुझे भी पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम गाइस मैं अपना न्यू ATM अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास है लेकिन फिर से मैं अप्लाई कर और मैं सब कुछ ले लिया हूँ अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है। पासबुक भी लग रहा है खो गया है, लेकिन मेरे पास फ़ोटो है तो फ़ोटो से काम हो जाएगा। अभी चलते हैं देखते हैं गाइस और क्या क्या लगता है, वैसे फ़ोटो से तो काम हो जाना चाहिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है गाइस बाहर, कहाँ से आ रहा है। अभी मैं उसको बताया नहीं हूँ कि गौरी बाज़ार चलना है, वो खुद फ़ोन किया था तो मैं भी कहूँ चलो, मैं तो वैसे घर से निकल ही रहा था तो कहूँ चलो आ रहा हूँ। अभी मैं उसको बताऊँगा भी नहीं, जब बैंक पे पहुँच जाएंगे फिर बताएँगे, वरना अगर अभी मैं उसको बता दिया तो कहेगा भाई मुझे घर छोड़ दो। आ तो रहा है, अरे जल्दी आए भाई, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। आगे जाऊंगा लेकिन बैठा नहीं जाऊंगा, लड़का आ रहा है ना। हाँ भाड़ा देंगे, भाड़ा 20 रुपये भाड़ा अंकल ये। यार लिफ्ट मांग रहे हैं यार, दो दो लोग को थोड़ी ना लिफ्ट देंगे, लिफ्ट मांगा था यार। आई बाबा आई आई कहानी, भाड़ा दीजिए भाड़ा, इतना निकाल लो। लो जी गाइस डॉक्यूमेंट, ओ पर्ची, कितना सारा कार्ड में लेकर आया हूँ। और है ताला बंद बाटे लेकिन खुला बाटे, आज पुलिस ना दिखा दाटे सब, हमेशा पुलिस रहना सब। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जितना टाइम लग रहा है ना उतना ज़्यादा मेरा नेट ये खींच रहा है, मेरे दूसरे फ़ोन में गाइस रील देख रहा है। फॉर्म तो मिल गया जो अपना क्या बोलते हैं ATM अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे फॉर्म ATM कार्ड पता नहीं क्या है गाइस, यही अपने को कराना है। चलो देखते हैं, अभी पहले फ़ोटो कापी करा लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसका कराना था, पासबुक का। स्कूटी, अरे स्कूटी है बगलिया, देखो क्या खड़ा है, ATM डुएक। अच्छा हम क्या है यार ATM डुकवा देखना भाई, साले कितना सही लगा था डे। साइलेंसर 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 वा देखो ना कहाँ वाटे ठीक है साइलेंसर, बहुत छोटा वाला। चलो गाइस अब घर चलते हैं, वैसे फॉर्म तो मैं भर भी दिया हूँ जमा करने के लिए गाइस, मैं लाइन लगाया था फर्स्ट लाइन में, पता चल रहा है कि पहले लाइन में नहीं चौथे लाइन में जाना है, जब सबसे आगे चला जा रहा हूँ उसके बाद से पता चल रहा है, लेकिन मैं अब दूसरे लाइन में गाइस मैं लगा नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबी लाइन भी थी
और अब मैं कल जाऊंगा, सुबह सुबह जाएंगे, फटाफट अगर जमा हो जाएगा तो जमा करा देंगे। अपने को डेट चेंज करना होगा और अब ये वाला जो फॉर्म है अब इसको कल जमा करेंगे। कुछ और काम कर लूँगा, आज ये वाला काम कर लेते हैं। वैसे मैं सोचा था कल जमा करेंगे, लेकिन चलो गाइस आज ही जमा कर लेते हैं। अगर आज हो जाएगा जमा तो आज करा लेते हैं। फिर से पहुँच गए हैं बैंक पे और इस बार गाइस मैं बाइक ना बाहर खड़ा किया हूँ, मुझे लगा अंदर भीड़ होगी, लेकिन अंदर तो भीड़ ही नहीं है। चलो गाइस नंबर लगाते हैं यहाँ पे। गाइस वहाँ पे नंबर लगाया था और इस बार यहाँ पे नंबर लगा रहे हैं। मैं नहीं खुलवा रहा यार अपना एटीएम वगैरह जो भी हो। एक तो नंबर आने के बाद भी गाइस सब कुछ हो गया था, अब पता नहीं कौन सा सिग्नेचर कार्ड होता है। अब मैं वो चीज़ पता कर रहा था, कोई बता ही नहीं रहा है, कह रहा वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। यार अब भीड़ भी हो गई है। चलो अब घर चलते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा पूरा दिन गाइस इसी में निकल गया। चलो गाइस अब घर चलते हैं। यार मेरा आज का दिन बहुत बेकार सा गया। पहली बार जब मैं आया था गाइस मुझे लगा तभी हो जाएगा, फिर सोचा हूँ चलो दूसरी बार जाते हैं, क्या पता इस बार हो जाए। फॉर्म भी था अपने पास, सब कुछ था, लेकिन नहीं हुआ यार गाइस। इतनी धूप में आना जाना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऊपर से जब काम ना हो ना और ज़्यादा बुरा लगता है। चलो अब देखते हैं गाइस अब क्या होता है। फॉर्म तो ले लिया हूँ, एक्स्ट्रा फॉर्म ले लिया हूँ गाइस एक्स्ट्रा। एक तो नंबर आने के बाद भी गाइस ना बताते नहीं हैं लोग कि ये करना है, पता नहीं कौन सा साइन कार्ड वगैरह वगैरह। मैं चार जगह पूछा हूँ, चार जगह बोल रहे लोग मुझे नहीं पता, वहीं पे जाओ भाई साहब। मतलब बैंक वाले भी गाइस ना उनको भी नहीं पता है कि होता क्या है। जब पता नहीं है तो भाई ले मांगते कि वो यार। आज फिर से बारिश हुआ है क्या? इसमें कौन पानी डाल दिया? पानी निकल रहा है भाई साहब, वहाँ पे तो तेज निकल रहा होगा। जूम ही नहीं हो रहा है, नहीं तो जूम कर लेता। आवाज़ करता है दबाओ, तुम्हें नहीं आएगा। मैं एक ओ भाई साहब अब सी करोगे तो नहीं होगा, अब करो। कैसे हो जा रहा है यार तुमसे, अब करो। तुम भी लग रहा है सीख गए, ऐसे तो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ अब बंद कैसे होगा? बंद ही नहीं हो रहा यार, बंद करो गाइस। ये देखो क्या कर दिया, बंद हो गया। वैसे नहीं होगा, रुको अब क्या होगा यार। ओह माय गॉड, इसका इंजन देख। ओह माय गॉड, इंजन नहीं, ये देखो बंद करने पे भी नहीं चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। ओहो बंद हो जाओ। स्कूटी यहाँ पे अकेली खड़ी है, चलो चलते हैं भाई। 300 रुपये किलो वो है, क्या बोलते हैं 300 रुपये किलो गाइस। अरे इसमें नहीं रखूँगा गाइस, ये टूटा हुआ है। 300 रुपये किलो पनीर है गाइस, पनीर भाई बहुत महंगा पनीर है यार। पता है जल्दी निकला था, लेकिन देख रहे हो अंधेरा फिर भी हो गया। मैं इसलिए निकला था, मुझे वीडियो बनाना था। आज पूरा दिन गाइस मेरा बैंक पे निकल गया ना, तो दिमाग पूरा ख़राब था और वीडियो भी मेरी बनी नहीं है। तो मुझे आज वीडियो बनाना था, लेकिन गाइस सीन ऐसा हुआ है ना, अपनी जो स्कूटी है घर से जब भी मैं निकल रहा हूँ उस टाइम पे गाइस बार बार मतलब वो हो जा रही थी, इसका सायरन बज रहा था गाइस। लो जी गाइस घर पहुँचने वाले हैं और ये वाली वीडियो भी यहीं ख़त्म कर देते हैं। और अच्छी बात है गाइस चलते चलते इसका जो स्कूटी का सायरन है वो बजा नहीं, वरना गाइस मैं पूरे रास्ते परेशान हो जाता। चलो बाय बाय, गुड नाइट।